उस वक्त क्या हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका तमाम तर जो हमारी मईशत थी वो गिर चुकी थी, हमारे जो कर्जे थे वो बेइंतहा थे, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 20 बिलियन डॉलर के ऊपर था, यानी हम जो चीज़ें मंगवा रहे थे और जो चीज़ें बेच रहे थे उनमें 20 बिलियन डॉलर का फ़र्क था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने 3 सालों में ज़ीरो के ऊपर लेके आए। तो जिस तरह से एक घर होता है, घर के अंदर अगर एक घर के ऊपर जब अखराजात ज़्यादा हों, आमदनी कम हो, तो फिर घर क्या करेगा, वो कर्ज़े लेगा, वो दोस्तों से मदद मांगेगा, ऐसे ही आगे चलेगा। इसी तरह से मुल्क जो है उसका हालत ही, हमारी खर्चे बहुत ज़्यादा थे, आमदनी बहुत कम थी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान पैदा हो गया था और हम कर्ज़ों पर कर्ज़े लिए जा रहे थे और अपना मुल्क चला रहे थे। इन 3 सालों में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो ये है कि हमने पाकिस्तान की जो माशी सिमत है वो सही की। हमने पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 बिलियन डॉलर से उसको सिफर पे लेकर के आए हैं। हमने पाकिस्तान में जो एक बिल्कुल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, हमारी तमाम जो सनत है वो बंद हो गई थी, उसको हमने रिवाइव किया है। हमारी एग्रीकल्चर मुकम्मल बैठ गई थी, हमने उसको रिवाइव किया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में आपने देखा कि पिछले साल जो 4 बड़ी फसलें हैं पाकिस्तान में, उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई। हमने जो वीट है वो पाकिस्तान की सबसे तारीख का सबसे बड़ी गंदम पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मकई पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चावल पैदा हुआ, और पाकिस्तान की तारीख में दूसरा सबसे बड़ा जो है वो गन्ने की फसल हुई। सो ये हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, हमने इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने अपने जो कर्ज़े हैं उनको उसमें हम जो है वो बेहतरी ले करके आए, और उसमें हम जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने ज़ीरो के ऊपर लिया, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल से मैंने आपको सामने रखा था जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में अब इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, और आज आपके सामने जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं खुसरो बख्तियार साहब, वो हम नई खुशखबरी लेकर के आपके सामने आए हैं, जहाँ पर हम गाड़ियों की कीमतें जो हैं उनमें आप देखेंगे कि बहुत कमी होगी, और जो हमारी नई ऑटो पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, और इसके नतीजे में जो हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो मसाइल हैं उनको हमने डायरेक्टली एड्रेस किया है। और स्पेशली मुझे बड़ी खुशी हुई जब मिनिस्टर साहब ने ये बात सामने रखी कि वो लोग जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव जो लाया गया है, कि जिन जो हमारे बच्चे स्पेशली जो यंगस्टर्स जो जिनके पास गाड़ी नहीं है और वो पहली बार गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त स्कीम जो है वो लेके आए हैं। सो मैं मखदूम साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें आगाह करें कि आपकी नई पॉलिसी के चीदा चीदा नुकात क्या होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है ये, इसकी टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान में इस वक्त 4,15,000 गाड़ी बनाने की है, और हर गाड़ी के साथ 5 नौकरियां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। क्योंकि हम एक इस्तेकाम के मूड में आए, कॉन्ट्रैक्शन हुई इकॉनमी में, करंट अकाउंट डेफिसिट की, अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बैलेंस हमने स्टेबल कर लिए और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर का तकरीबन लगभग 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रोल है, तो हमने इस कैपेसिटी को, पहला टारगेट था कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलाने के लिए हम अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं। तो पिछले साल सिर्फ 1,64,000 गाड़ी बनी, और अगले साल हमारा कोशिश है, जो हमने ऑटो पॉलिसी के थ्रू जिसके सेलियंट फीचर्स कुछ आ गए हैं और कुछ अगले महीने कैबिनेट के अप्रूवल के साथ बाद आपके सामने रखेंगे, कि हम डिमांड को बढ़ाएं ताकि 164,000 प्रोडक्शन से, 1,64,000 से कम अज़ कम 3 लाख तक हम इस साल पहुँचें दोगुना। और उसके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव ये था इस सेक्टर के अंदर कि गाड़ियों की कीमतें कम होती हैं तो डिमांड बढ़ती है,
तो हमने गाड़ियों की कीमतों के ऊपर हुकूमत ने अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी और छोटी गाड़ी के अंदर अपना सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिया जो मेरी गाड़ी स्कीम के तहत। तो इस वक्त जो 660 सीसी जिसमें ऑल्टो की सारी रेंज है तो इसकी जो कीमत कम होगी वो तकरीबन 1,05,000 के तकरीबन कम होगी। उसके बाद 1,000 सीसी में 1,42,000 कम होगी। कल्टस या ये गाड़ियां जो हैं इनमें 1,86,000 गाड़ी की कीमत कम होगी। सिटी के अंदर कीमतें कम होंगी। टोयोटा यारिस वगैरह ये कोई 1,25,000 के लगभग कीमतें कम होंगी। इसी तरह टोयोटा ग्रैंडे, स्पोर्टेज, फॉर्चूनर जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में नई कीमतों का इतलाक इंशाल्लाह एक दो दिन में आ जाएगा। और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन से भी हमारा रابطہ है और ये नई इतलाक गाड़ियों का नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे एकदम डिमांड पैदा होगी सेक्टर के अंदर और गाड़ियों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। मैं ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तकरीबन इस मुल्क के अंदर इस साल इस सेक्टर के अंदर 3,00,000 नई नौकरियां मुहैया होंगी। और साथ ही इससे मिल दूसरा सेक्टर जो वाबस्ता ऑटो सेक्टर के अंदर वो मोटरसाइकिल्स का है। पाकिस्तान में उसमें बहुत ग्रोथ आई क्योंकि जैसे चौधरी फवाद साहब ने फरमाया कि रूरल इकोनॉमी देही मईशत के अंदर जब पैसा आता है तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। तो मोटरसाइकिल्स इस साल 26,00,000 मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बने और अगले साल इंशाल्लाह 30,00,000 मोटरसाइकिल बनेंगे। तो 4,00,000 मोटरसाइकिल आपको इंशाल्लाह 75,000 और नौकरी देंगे जो मोस्टली रूरल एरियाज में होती हैं। नौकरियों का मतलब वर्कशॉप्स, उसको जो प्रोड्यूस करने के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आफ्टर सेल सर्विसेज, डीलरशिप्स, तो ये सारे का सारा एक्सपैंड होगा। तो इंशाल्लाह तकरीबन इस सेक्टर के अंदर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को मिला के कुछ 4,50,000 नौकरी इस साल आएगी। अब दूसरा हमारा मसला था कि हम पहली दफ़ा जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या आसानियाँ पैदा करें। तो एक फैमिली जो मोटरसाइकिल पे चल है, बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, मौसम है, गर्मी है, उसका हक है कि वो अपने आप को ग्रेजुएट करके पहली गाड़ी खरीदे। तो सबसे पहले तो हमने गाड़ियों की जो अप फ्रंट पेमेंट है उसको 20% कर दिया है सिर्फ गाड़ी की लागत का कि पहले आपको, साथ ही हमने छोटी गाड़ियों की कीमत कम कर दी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसकी लीज के लिए भी जो तरीक़ेकार है उसको भी और आसान कर देंगे ताकि महाना किस्तवार तरीके से ये लोग अपनी एक बाइज़त सवारी पे चल सकें। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की, अगर हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रखनी है तो हमें इस मुल्क की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप जैसे ही ग्रोथ में जाते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपकी डॉलर्स की कमी हो जाती है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट साथ नहीं होता। तो हमारी कोशिश है कि इंडिजनाइजेशन और लोकलाइजेशन पे फोकस हो। तो अब जो हम ऑटो पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसके अंदर हमने जो लोकलाइजेशन है उसको मैंडेट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इस वक्त पाकिस्तान में वैल्यू के लिहाज से अगर लोकलाइजेशन हो रही है तो वो 30-35% है ऑटो सेक्टर में, जो हम इंशाल्लाह 40-10% एक साल के टारगेट के साथ रख के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें नए एंट्रेंट्स भी आए हैं, तो इस वक्त इस सेक्टर का टोटल जो सिर्फ ऑटो का मोटरसाइकिल्स को निकाल के कोई 1,200 अरब का ये सेक्टर है, 350 अरब ये टैक्स देता है। अब इस सेक्टर को हम सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बाहर से CKD मंगवाते हैं, 70%
वैल्यू टर्म्स में पुर्जे मंगवाते हैं, अब इसको हमें एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। तो जो हम नई पॉलिसी आ रही है वो ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ताकि पाकिस्तान का ये सेक्टर ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स वैल्यू चेन का हिस्सा बने। और ये पॉलिसी लाजिम होगी एक सर्टन परसेंटेज कि जितनी आप इंपोर्ट करेंगे उसकी एक परसेंटेज आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो इनके पेरेंट कंपनीज हैं चाहे जापानीज हो चाहे कोरियन हो चाहे यूरोपियंस हो, उनको यह पाकिस्तान का कानून पता हो कि एक्सपोर्ट अब करनी पड़ेगी। तीसरा, जैसे जैसे अब एकदम कीमतें नीचे आएंगी डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी टाइम लेती है उसको बढ़ाने के अंदर, तो एक मार्केट के अंदर एक डिमांड सप्लाई का थोड़ा गैप आएगा और वो ऑन की जो एक मसला है इस मुल्क के अंदर वो और ज़्यादा नुमायाँ हो सकता है। तो ऑन के लिए हमने ये किया है कि जो शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है, जो भी गाड़ी का ख़रीदार है, दर हकीकत उसको उसी के नाम पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी पड़ेगी, या जो गाड़ी रजिस्टर कराएगा वही गाड़ी बुक करा सकता है। दूसरा, अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स ने 60 दिन से ऊपर डिले किया तो काइबोर कराची इंटरेस्ट रेट प्लस 3% इन पे लागू हो जाएगा, कि डिले पेमेंट्स के लिहाज में ये उनको देंगे। तीसरा, गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होगी, हर आदमी जो शख्स कस्टमर होगा उसको पता होगा कि उसकी गाड़ी किस स्टेज पे इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में है। और लास्टली, ये जो रजिस्ट्रेशन का हमने शर्त किया ये टाइम बाउंड नहीं होगी, इसके ऊपर उसको फीस जुर्माना देना पड़ेगा जो 50,000 से 2,00,000 के ऊपर है। और अगर हमने देखा कि इसके बावजूद भी ऑन का चल रहा है तो हम इस जुर्माने की कीमत को और बढ़ा देंगे, शायद 10% कर दें गाड़ी की वैल्यू के, ताकि ये जो इन्वेस्टर है जो ये ऑन के अंदर इस मार्केट सप्लाई डिमांड गैप में खेलना चाहता है उसके लिए बहुत कम जगह हो कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। तो मैं इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि जो हमारी गाड़ियां हैं, अब हमारा फोकस यही रहेगा कि इनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव की जाए। इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो दुनिया के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स लागू हैं, WP29 का एक स्केड्यूल है, उसके तहत पाकिस्तान की गाड़ी जो पैदावार हो उसके अंदर ये सेफ्टी फीचर्स हों। साथ ही जो हमारी पॉलिसी आ रही है उसके अंदर हम हाइब्रिड और ई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी हमने बहुत इकदाम किए हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इम्पोर्ट थी 25% की उसको 10% कर दिया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएँ और उसके साथ ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, चार्जिंग स्टेशंस, उससे भी मईशत का पहिया भी चलेगा, नौकरियां भी आएंगी। और यही सिलसिला हाइब्रिड का है जो 30% आपके फ्यूल की कंजम्पशन को कम करता है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। मैं आज आपको आपकी तवासुत से यही खुशखबरी सुनाना चाहता था कि पाकिस्तान में सब गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं और छोटी गाड़ी पे मेरी गाड़ी स्कीम के तहत हमारा ज़्यादा फोकस है, और इंशाल्लाह हम अपनी पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि देखे कोई सेक्टर अगर दुनिया में उसने मुकाबला करना है, ग्लोबल चेन का हिस्सा बनना है, तो उसका एक साइज होता है। तो जब पाकिस्तान के अंदर हम 5,00,000 का हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान में 5,00,000 गाड़ी बनेगी, तो आपके पास वो स्केल्स आ जाएंगे कि ये सेक्टर दुनिया की ग्लोबल ऑटो चेन का हिस्सा बन जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शन के तहत हमारी काविश यही रहेगी कि हम 2024-25 तक 23 तक
इंशाल्लाह इस सेक्टर को उस 5 लाख टारगेट के करीब से करीब तर ले आए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका मशहूर हूँ, शुक्रिया। पहले तो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी ये कस्टमर से चार्ज हो रही थी, हुकूमत को नहीं मिल रही थी, 7% थी और एक कोर्ट केस में चल रहा था। तो हमारा ऑटो सेक्टर के साथ जो पुराने 3 बड़े टोयोटा, होंडा और सुजुकी वाले हैं उनके साथ तय हो गया कि ये पिछली ACD जमा करा देंगे और आगे 1000 cc से नीचे 0 कर दिए और 1000 cc से ऊपर 2% रह गई है, जो अब ये आगे देंगे भी सही। तो एक बड़ा मसला जो पिछले कई सालों से इसको एड्रेस नहीं किया गया था वो एड्रेस हो चुका है। दूसरा देखिए जी, ये कल कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, आज इंशाल्लाह कोशिश है कि SRO आ जाए ताकि फिर ये नई कीमतों का ऐलान कर सकें। दूसरा देखिए, मैं मार्केट मैकेनिज्म में हम बिलीव करते हैं, पाकिस्तान में अगर कीमतें फेयर प्राइसिंग और फिर अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना है तो हमने इंपोर्ट की जो आना है मुल्क के अंदर बनी बनाई गाड़ी उसके अंदर और इसके अंदर एक मुनासिब प्रोटेक्शन देनी होगी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अंडर इन्वॉइसिंग का चैलेंज भी है। लोकलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो कितनी प्रोटेक्शन देनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कि ये मुंह मांगा प्रॉफिट ऑटो सेक्टर बुरी क्वालिटी का ना कमा सके तो हम इंपोर्ट को भी एक हद के बाद अलाउ करेंगे, मगर इन सब चीज़ों के ऊपर ये भी देखना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना आउटले होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं, अगस्त के पहले हफ्ते में हम ऑटो पॉलिसी को कैबिनेट में लेके जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि जो इम्पोर्ट पे इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उसको भी हम और रैशनलाइज करें। हमारा मकसद पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बनाना है, मगर उसके साथ साथ कस्टमर को एक फेयर प्राइस देना है और एक अच्छी क्वालिटी देना है। तो ये बैलेंस इंशाल्लाह हम लेके आएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको इन दोनों चीज़ों की झलक हुकूमती पॉलिसी में नज़र आएगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आएगी। थैंक यू। मैंने आपको ओवरऑल देखे, हम ने ये देखना है जब हम इंपोर्ट की ड्यूटी को देखते हैं, प्रोटेक्शन को, तो हम ये देखेंगे कि कोई मुल्क अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ड्यूटियां अपनी मुल्क की कम करके, प्राइस कम करके हमारी मार्केट में डंपिंग ना शुरू हो जाए और जो लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो जेपरडाइज ना हो। इसी तरह अंडर इन्वॉइसिंग और इन सब चीज़ों को देख के ही हम वो RD का जो रेगुलेटरी ड्यूटी की जो प्रोटेक्शन है, जो पुर्जे यहाँ बन रहे हैं उनके जो प्रोटेक्शन है वो जारी रहेगी। सेकेंडली, आप ये भी हैरान होंगे कि बड़ी ऑटो सेक्टर के साथ जो अलाइड है वो सारा है वेंडिंग इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर, उनका जो प्रोटेक्शन है वो 16% होती है, अगर पाकिस्तान में पुर्जा बने तो उसके ऊपर 16% हो जाती है। ये जो लिस्ट है ये 2016 के बाद अपडेट नहीं हुई, अब हम ये हिस्सा बना रहे हैं ऑटो पॉलिसी का कि हर 6 महीने बाद जो पुर्जा पाकिस्तान में बन जाएगा
वो इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा, उस पर प्रोटेक्शन होगी, और अगर बाकी कंपनीज नहीं बना सकती तो उनको महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो मार्केट में कंपेटिटिव फिर नहीं रह सकेंगी। तो पाकिस्तान के अंदर लोकलाइजेशन, मेक इन पाकिस्तान ही सारा फोकस है हमारी अगली ऑटो, इसी ऑटो पॉलिसी का। थैंक यू शौकत तरीन साहब, इंशाल्लाह मंडे को अपने वो मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, मंडे को इंशाल्लाह वो अपने दफ्तर में वापस आ जाएंगे, और जो गवर्नर बलूचिस्तान का जो फैसला है वो भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते मत होगा जी। नाम एवेल्यूएशन भी तो होगा देखिए, सबसे पहले तो मार्केट, जैसे मैंने अर्ज किया, एक ही चेक है कीमतों को नीचे रखने का, वो है आप इंपोर्ट किस स्टेज पे अलाउ करते हैं और दुनिया में उसके इक्विवेलेंट गाड़ी कितने की मिल रही है, और उसमें आप अगर लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाहर से मंगवाएं इसमें कितना फ़र्क रखें, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं ताकि वो फ़र्क मुनासिब हो, ताकि ये कीमतें बढ़ा ना सकें। दूसरा ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जैसे एविएशन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इसी तरह ऑटो सेक्टर के हैं, WP29 के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इंश्योर करा रहे हैं इस ऑटो पॉलिसी में, और इंशाल्लाह अगले माह जब अगस्त के अंदर ये ऑटो पॉलिसी आएगी तो इन सब फीचर्स के ऊपर मैं आपको डिटेल में ले जाऊँगा। आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की कीमतें सब गाड़ियों की कम हो रही हैं मुख्तलिफ रेंजेस में, और इससे पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर में ग्रोथ आएगी, जिससे तकरीबन 4.25 लाख नौकरियां इसी साल आएंगी, और इसी वजह से पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट 6% हमने रखा है, ये भी बताता चलूं कि 6% का टारगेट नून लीग की 5 साल हुकूमत में कभी पूरा नहीं हुआ, जो ये ग्रोथ के दावे करते हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार और वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।